मैं तुम्हारी बकवास सुन के थक गया हूँ। आई होप कि तुम कभी दौड़ ना पाओ। ये कमेंट्स थे डेविड गॉगिंस के एक इंस्टाग्राम पोस्ट पे जब उन्होंने अपनी इंजरी की फोटो डाली। असल में बात यह है कि डेविड गॉगिंस ने अपने आप को दुनिया का सबसे टफेस्ट मैन साबित कर दिया। ऐसे अल्ट्रा रेसेस दौड़ के, ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना के उन्होंने अपने हेटर्स को गलत ठहरा दिया। तो जब उनको इंजरी हुई, कुछ लोगों को बड़ी खुशी हुई, लेकिन उनको क्या पता था कि वो एक पागल आदमी से डील कर रहे थे। एक ऐसा आदमी जो किसी की नहीं सुनता, जो किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटता। डेविड ने इन मैसेजेस को रिकॉर्ड किया और उसका एक मिक्स टेप बनाया। जब भी उनका कोई बुरा दिन होता था तो वो उसको सुनते थे। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी यूज़ करना आता है, लेकिन गॉगिंस डार्क एनर्जी को यूज़ करने के मास्टर हैं। यही डार्क एनर्जी अगर आप मास्टर कर लोगे तो आप भी ऐसे वॉरियर बन जाओगे जो कुछ भी अचीव कर सकता है लाइफ में। कहाँ से लाते हैं वो इतनी डार्क एनर्जी? अपने बचपन से। किसी भी स्टैंडर्ड से देखा जाए तो डेविड गॉगिंस का बचपन बहुत बुरा था। उनके फादर एक सोशियोपैथिक अब्यूज़र थे और वो उनको बहुत मारते थे। वो उनकी मदर को उनके सामने मारते थे उनकी स्पिरिट तोड़ने के लिए। वो एक छोटे से शहर में ऐसे स्कूल में जाते थे जहाँ वो अकेले अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे। रेसिस कॉमेंट्स और थ्रेट्स उनको रोज़ सुनने को मिलते थे। इतने बुरे बचपन के बाद कोई सरप्राइज नहीं था कि डेविड अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। आफ्टर ऑल, हम में से किसी का ऐसा चाइल्डहुड होता तो शायद हम भी उससे बच ना पाते। और उन्होंने जब US एयरफोर्स में पैरा रेस्क्यू बनने की कोशिश करी तो वो ट्रेनिंग भी नहीं कंप्लीट कर पाए। 24 साल की उम्र में वो कॉकरोच मारने का काम करते थे और उनकी लाइफ एक फेलियर बन गई थी। लेकिन उस टाइम उन्होंने एक ऐसी चीज़ डिस्कवर करी जिसने उनकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री बदल दी। अकाउंटेबिलिटी मिरर। कहा जाता है द मिरर डजंट लाई। जैसा आप हैं वैसे ही आपका रिफ्लेक्शन होता है। गॉगिंस ने अकाउंटेबिलिटी लिया और उन्होंने कहा कि वो जिस सिचुएशन में है लाइफ में सिर्फ अपनी वजह से है और कोई उनको बचाने नहीं आएगा। जो करना है उन्हें ही करना होगा। अपने आप से सिर्फ सच बोल के उनके अंदर एक ऐसी आग जल गई कि उन्होंने एक नेवी सील बनने की तैयारी करी। 3 महीने में 100 पाउंड वजन घटाया, 3 बार टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड हेल वीक किया और फाइनली एक नेवी सील बन गए। नेवी से निकलने के बाद पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा, अल्ट्रा मैराथन रेसेस दौड़ी और टफेस्ट मैन अलाइव बन गए। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती है। जब उन्होंने अपनी कहानी बताई अपनी बुक में कांट हर्ट मी, तब फाइनली दुनिया ने उनको रिकग्नाइज किया। उनकी बुक एक इंस्टेंट बेस्ट सेलर बन गई। दुनिया भर में उनको स्पीकिंग इवेंट्स के लिए बुलाया जाता था। बहुत सारे पैसे कमा लिए उन्होंने। इतने सक्सेस के पीक पे लाइफ ने उनको एक और झटका दिया। एक दिन वो अपनी पार्टनर के साथ जब क्रिसमस सेलिब्रेट करने जा रहे थे तो उनकी पल्स एकदम से हाई हो गई। उनके चेस्ट में दर्द होने लगा। असल में डेविड गॉगिंस के दिल में हमेशा से एक छेद रहा है और उसके बावजूद उन्होंने एक्सट्रीम एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ करी। अब यही प्रॉब्लम फिर से वापस आ रही थी। वो गए हॉस्पिटल और वहाँ पता चला उनको एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा था। इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया उनके हार्ट रेट को नॉर्मल करने के लिए। जब वो हॉस्पिटल बेड में लेटे थे तो उनको एक चीज़ रियलाइज हुई, वो सॉफ्ट बन गए थे। जब डेविड गॉगिंस ने अपनी पहली बुक लिखी थी तब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो लोगों को सिर्फ तभी तक मोटिवेट करेंगे जब तक वो खुद अपनी बात फॉलो करें। अगर अपनी हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ा तो वो सोशल मीडिया से गायब हो जाएंगे। तो अब वो सोचने लगे कि क्या यही कहानी ख़त्म होती है डेविड गॉगिंस की। क्रिसमस के 5 हफ्ते बाद ये ऑब्वियस हो गया था कि डेविड के अंदर का सैवेज ख़त्म हो गया है। डेविड बताते हैं मेंटल लैब के बारे में। ये दिमाग का एक ऐसा कोना होता है जहां आप अपनी लिमिट्स टेस्ट करते हो, अपने आप को एक वॉरियर बनाते हो। जब वो नेवी सील्स में थे, अल्ट्रा रेसेस दौड़ते थे, तो वो अपनी मेंटल लैब में फुल टाइम रहते थे। लेकिन उनकी बुक के सक्सेस के बाद जाने अनजाने में वो अपने मेंटल लैब से निकल गए। वो लाइफ के कंफर्ट एंजॉय करने लगे, वो सॉफ्ट बन गए। तो जब उनके दोस्त ने उनको एक ईमेल किया एक नई 100 माइल रेस दौड़ने के लिए, उनके दिमाग में एक डिबेट शुरू हो गया। उनको वो 24 साल का डेविड गॉगिंस दिखा जिससे वो भागते थे। वो 24 साल का गॉगिंस उनको ताना दे रहा था, बड़े आए थे ना टफेस्ट आदमी बनने, मैं ही हूँ तुम्हारी असली सच्चाई।
गॉगिंस कहते हैं कि ईगो एक बहुत पावरफुल फोर्स है। जितना आप अपनी अच्छाई सुनते हो दूसरे लोगों से, जितना दुनिया आपको प्रेज करती है, उतना कंफर्टेबल आप हो जाते हो। लेकिन जर्नी टू मेंटल टफनेस कभी खत्म नहीं होती। अब टाइम आ गया था अपनी मेंटल लैब में वापस जाने का। हेल वीक में उन्होंने सीखा था 1 सेकंड डिसीजंस की इम्पोर्टेंस। 1 सेकंड डिसीजंस में ही सक्सेस और फेलियर डिसाइड होता है। गॉगिंस बताते हैं कि ज़्यादातर टाइम जब हम अपने गोल्स और ड्रीम्स डिसाइड करते हैं, तब हम कंफर्ट जोन में होते हैं। अपने घर में एक डॉक्यूमेंट्री देखना नेवी सील्स की और मोटिवेट हो जाना कि मैं भी नेवी सील बनूंगा, ये आसान है। लेकिन जब आप ट्रूली सफ़र करते हो, हर चीज़ मुश्किल लगती है, तब 1 सेकंड डिसीजंस ही आपको बचाते हैं। हेल वीक में नेवी सील्स का साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है। इतनी ठंड में, ठंडे पानी में ऐसी फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं कि सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट लोग ही बच पाते हैं। लेकिन क्विट करने का ऑप्शन हमेशा होता है। कभी भी आपको लग रहा हो कि अब नहीं हो पाएगा, एक घंटी बजा दो, तुरंत गर्म शावर और खाना मिलेगा, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने सपने डुबा दोगे। अपने लास्ट हेल वीक में गॉगिंस के ऊपर एक ठंडी लहर पानी की आई और उनका सीना जकड़ गया। ऐसे मोमेंट्स में गॉगिंस कहते हैं कि हमें लगता है कि हमें क्लैरिटी आ गई, लगता है हाँ यार सच में नेवी सील मेरे लिए नहीं है, शायद सब लोग सही कह रहे थे। ये फॉल्स क्लैरिटी होती है जो फियर से आती है। गॉगिंस ने इमेजिन किया अगर उन्होंने अभी क्विट किया तो उन्हें घर वापस जाना होगा, फिर से कॉकरोच मारने की जॉब करनी होगी और उनकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं रहेगी। यही उनका रास्ता है, यही उनकी डेस्टिनी है। ये थी असली क्लैरिटी। लोग पेन, एग्जॉशन या ठंड की वजह से क्विट नहीं करते, वो उन सेकंड्स में क्विट करते हैं जब सेल्फ डाउट मैक्सिमम होता है। उन्हीं सेकंड्स में आपको सतर्क रहना होगा और अपना मन काबू में करना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कभी क्विट नहीं करना चाहिए। कभी कभी लाइफ में कुछ बेहतर पाने के लिए क्विट करना पड़ता है, लेकिन कभी वीकनेस में क्विट मत करो। अगर एग्जाम का प्रेशर बहुत है, काम का प्रेशर बहुत है, तो परसिस्ट करो। एक बार अपनी वीकनेस से आगे बढ़ो, तभी सोचो कि क्विट करना है या नहीं। यही नेवी सील की ट्रेनिंग की वजह से गॉगिंस ने फिर 1 सेकंड डिसीजन लिया कि मैं फिर से साबित करूंगा कि मेरे अंदर अभी भी वो सावित जिंदा है, और लेडविल 100 की तैयारी शुरू कर दी। अब ये काम गॉगिंस के लिए फिजिकली आसान नहीं था। वो पास में बहुत सारी 100 माइल रेसेस दौड़ चुके थे, लेकिन अब वो अपने 40s में थे, उनकी इंजरीज बहुत ज़्यादा थी और वो 5 साल से इतनी लंबी रेस नहीं दौड़े थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि डेविड ये सोच के रुकने वाले थे, तो आप ध्यान नहीं दे रहे। लेडविल 100 उन्होंने दौड़ा और ये प्रोसेस था उनको अपने सोल को रीडिस्कवर करने का। हर एक एक इंजरी से, हर ऑब्स्टिकल से वो अपने आप को याद दिलाते थे कि डेविड गॉगिंस क्या चीज़ है। इतनी लंबी रेसेस में अक्सर लोग पेसर्स के साथ दौड़ते हैं जो बीच बीच में आपको ज्वाइन करते हैं और एक सेट पेस पे आपके साथ दौड़ते हैं। रेस के लास्ट स्ट्रेच में उनके साथ दौड़ने वाला पेसर स्लो हो गया। डेविड वापस गए उसके पास क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो पीछे छूट जाए। इसी टाइम एक दूसरे रेसर ने उनको पहचाना और कहा, अरे तुम तो डेविड गॉगिंस हो, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कैच नहीं कर पाऊंगा। उस आदमी के अंदर बड़ा एरोगेंस था कि मैं डेविड गॉगिंस को हरा रहा हूँ। गॉगिंस ने कुछ कहा नहीं और वो अपने पेसर के साथ दौड़ते रहे। कुछ टाइम बाद उनके पेसर ने कहा, यार वो आदमी समझता क्या है अपने आप को, उसको क्या पता कि तुम मेरी वजह से रुके हो, जाके उसको दिखा दो कि तुम क्या हो। ये सुन के डेविड गॉगिंस के अंदर का बीस्ट जाग गया। रेस के लास्ट स्ट्रेच में वो और स्पीड से दौड़े और उस आदमी को उन्होंने पछाड़ दिया। डेविड कहते हैं कि ये स्पिरिट हम सब के अंदर होती है, एक ऐसा बीस्ट जिसको हम बंद करके रखते हैं। लेकिन अगर तुम इस बीस्ट को यूज करना सीख लो और ये ठान लो कि तुम लोगों को गलत प्रूव करोगे, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो नेक्स्ट चीज डेविड ने करी वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेडविल से लौटने के बाद डेविड गॉगिंस को अपने आप को और पुश करना था और उन्होंने डिसाइड किया कि वो मोआब 240 दौड़ेंगे। 240 मतलब 240 miles। ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट दिल्ली से अजमेर जितना है और इसको उनको 110 घंटे में दौड़ना था, मतलब 4.5 दिन में। और डिस्टेंस तो छोड़ो, एल्टीट्यूड में भी बहुत चेंज होगा, एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड झेलना होगा। अपने 40s में इतनी इंजरीज के साथ ये रेस दौड़ना किसी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली डेविड गॉगिंस को ये रेस भी दौड़नी थी, लेकिन इस रेस में जो हुआ वो ऑलमोस्ट जानलेवा था। डेविड गॉगिंस को एक बीमारी है रेनॉल्ड सिंड्रोम, जिससे ब्लड हाथ पैरों से निकल जाता है और चेस्ट में इकट्ठा हो जाता है।
इतने कोल्ड टेम्परेचर में जब वो चढ़ाई पे दौड़ रहे थे तो उनको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगी। डेविड हमेशा अपने आप को पुश करते हैं, लेकिन इस बार उनको लगा कि कुछ ज़्यादा गड़बड़ है। 215 माइल्स दौड़ने के बाद ऑलमोस्ट रेस के कुछ लास्ट माइल्स ही बचे थे, लेकिन डेविड को रेस से ड्रॉप आउट करना पड़ा और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में उनको नेब्यूलाइजर दिया और 12 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन कुछ सही नहीं बैठ रहा था डेविड गॉगिंस के दिमाग में। उनको पता था कि अभी भी उनके अंदर और दम है। उन्होंने अपनी पार्टनर से पूछा, फिनिश लाइन बंद होने में कितना टाइम बचा है? 15 घंटे, लेट्स गो। वो वापस उसी पॉइंट पे गए जहां से उन्होंने रेस छोड़ी थी, और इतना पेन होने के बावजूद उन्होंने वो रेस कंप्लीट करी। गॉगिंस कहते हैं कि हाँ, वो और लोगों के हिसाब से एक्सट्रीम है, लेकिन वो मरना नहीं चाहते, वो बस अपना 100% देना चाहते हैं। क्योंकि गॉगिंस को मेडिकल अटेंशन के लिए निकलना पड़ा था रेस से, ये ऑफिशियली काउंट नहीं हुआ। डेविड फिर अगले साल गए और ये रेस ऑफिशियली ख़त्म करी। रेस ख़त्म करने के बाद 25 पुशअप्स और किए, क्योंकि वाई नॉट, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो डेविड गॉगिंस है। गॉगिंस हम जैसे लोगों को पुश करना चाहते हैं अपना 100% अचीव करने के लिए अपनी लाइफ की किसी भी एरिया में, इसीलिए वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। और अभी करेंटली वो अपने सक्सेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो एक स्मोक जंपर बन गए जो वाइल्ड फायर्स में पैराशूट से जाते हैं फायर फाइटिंग करने। ये बुक अनलिमिटेड मोटिवेशन है और मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आप सब इसको पढ़ें। उनकी पहली बुक की समरी के लिए यहाँ क्लिक करिए, और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।